सब मालिक तेरे हैं। हम एक जहाज चलाते हैं तो उसके लिए भी एक डायग्राम सिस्टम मैप चलता है, लेकिन एक पक्षी उड़ता है इतनी दूर जाने के बाद वो पुनः अपने घोंसले पर आ जाता है। सब उसी के रंग है। और हमारी टेक्नोलॉजी कई बार फेल भी हो जाती है। अब हम 5G कर रहे हैं तो 4G तो ढंग से चल भी नहीं रहा। तो कहने का मतलब कि सबने अपने अपने बसेरों पर जाकर पहुंचना है, तो समय के साथ चलते हुए सब आए। दूसरी बात, ज्योतिष की बात थोड़ी चर्चा शेयर लेते हैं, समय मिला हुआ है। तो ज्योतिष की चर्चा के विषय में, थक गई सांस दुराहे वाली लखा खोजा करके, थक गई सांस दुराहे वाली लखा खोजा करके, कित्थों आंदा बंदा जमके कित्थे जांदा मर के। थक गई सांस दुराहे वाली लखा खोजा करके, कित्थों आंदा बंदा जमके कित्थे जांदा मर के। भविष्य दे वेद ए सारे उदी मुट्ठी विच बंद ने, सब मालिक दे रंग ने बंदिया, सब मालिक दे रंग ने। रंग तो उसके ही है, यह मंचक भी उसका है, सब अपना अपना खेल खेलने के लिए आए हैं। रही ज्योतिष की बात, तो यदि ज्योतिष के विषय में कहूं तो मैं कोई बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं। हम सब वही वैसे हैं, सबकी अपनी अपनी एक छाप है। बोतल में यदि पानी भर दो तो वो पानी की है, यदि गंगा जल भर दो तो वो गंगा जल की है, और यदि उसमें मिट्टी भर दो तो वो मिट्टी की है। घट सबकी एक ही है, लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से अपना अपना एक स्वरूप बना लिया है कि मैं इससे हूं, मैं इससे हूं, मैं इस डिपार्टमेंट से हूं। जब एक जीवन की बात करें तो जीवन की बात का मतलब छोटा या बड़ा नहीं होता। जीवन से ना कोई जाति होती है, ना पाति होती है, ना रूप होता है, ना रंग होता है, ना आकार होता है। जीवन जीवन होता है और वो सबका बराबर होता है। जीवन का मतलब सांस का आना और सांस का जाना। अब सांस भी चल रही है, आ भी रही है, जा भी रही है, और जीवन भी है। लेकिन उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो किसी भी ज्योतिषी के पास यदि कोई ज्योतिष लगवाने आएगा तो ये नहीं पूछा इसके जीवन में कितना धन है, इसके कितने बच्चे होंगे, ये कौन सा बिजनेस करेगा। समय और स्थिति है। कहने का मतलब यदि हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक लगाया जाता है, और जो ज्योतिषी होता है उसके आसन के पास ही लगाया जाता है, हर जगह पर नहीं। दूसरी बात, जब तक ज्योतिषी में छल होगा और अहम का बल होगा, उसका ज्योतिष सिद्ध नहीं होगा। ज्योतिष का मतलब सूत्र के साथ साधना, सूत्र के साथ साधना। सूत्र के साथ साधना का मतलब, अमृत है तो उसका अपना एक गुण है। अमृत किसी को भी पिला दिया जाए, वो कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, किसी भी वर्ण से हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, यदि वो पिएगा तो वो अमर होगा ही होगा। यह है सूत्र। जो भी अमृत पिएगा वो अमर होगा ही होगा। पर साधना क्या है, जहर का भी एक गुण है। जहर भी किसी को पिला दो महाराज, जितनी क्वांटिटी में लिया है वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन एक कुशल वैद्यराज उसी जहर को दवाई बनाकर एक मरीज को खिला देता है, वो उसकी मृत्यु नहीं, उसके लिए जीवन का साधन बन जाता है। और यही ज्योतिष का सिद्धांत है। जब कोई हमारे पास आता है तो ज्योतिष क्या है, वो अंधेरे में है। किसमें है, अंधेरे में। ज्योति प्रकाश देती है। यदि हमने किसी कमरे को भरना है तो उस कमरे को भरने के लिए यदि हम एक छोटी सी जोत जला देते हैं तो संपूर्ण कमरा भर जाता है।
जब कोई जाचक हमारे पास आता है तो वो अंधेरे में है, उसको प्रकाश में लेकर आना एक ज्योतिषी का कर्तव्य है कि उसे प्रकाश में लेकर आए। फिर उसे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब जानता है। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बढ़ते देखे, हीरे दा कोई मुल न जाने, खोटे सिक्के चढ़ते देखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तो पत्थर गलदे देखे, जीवा दाना जगदे कोई, वो भी बच्चे पढ़दे देखे, पैरा तो जो नंगे फिरदे, सरते लभदे छावा, दाता सानू सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। यदि ये समय आज हमें मिला है तो ये उसका शुक्राना ही है।